इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोजल क्या होता है और नोजल के टाइप्स क्या होते हैं और नोजल का वर्किंग क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। नोजल हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है बैरल का जो हेड पर ये लगाते हैं, ये नोजल का वर्क क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज नोजल, नोजल क्या होता है। तो नोजल, ए नोजल इज ए मेड ऑफ मेटल ऑफ एन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डेट पुश मेटर मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल फ्रॉम द बैरल इनटू द मोल्ड। ये क्या करता है, जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो बैरल में, ये प्लास्टिक मटेरियल जो है, ये प्लास्टिक मटेरियल इस बैरल में मेल्ट होकर रहते हैं, उस मटेरियल को स्क्रू के द्वारा इस नोजल पे आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक ये बैरल से मटेरियल को आएगा, उस मटेरियल को ये नोजल के द्वारा हम मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं। ये मोल्ड हो गया हमारा, इस मोल्ड में इस नोजल के द्वारा हम इस मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं, पुश करते हैं, जाकर तब वो उस मोल्ड में फिल हो जाता है और एक कंपोनेंट बन के तैयार होता है। तो नोजल जो होती है उस नोजल का ही वो वर्क होता है कि ये प्लास्टिक मटेरियल जो मेल्ट होती है उसको ये मोल्ड में इंजेक्ट करने का काम करता है। अब देखेंगे इसका वर्किंग क्या होता है। देखिए वर्किंग ऑफ नोजल, नोजल का ये वर्क क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो नोजल होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है और प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है मोल्ड में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये देखिए, ये जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग है इसमें क्या करता है, वो सबसे पहले जो नोजल होता है, ये नोजल ये प्रेशर को क्रिएट करता है, प्रेशर यहाँ पे जनरेट करता है, बनाता है, और जो ये प्लास्टिक मटेरियल होती है इसको ये मोल्ड में इंजेक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट ए हो गया, ठीक। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में फिल करने का काम करता है। तो जो ये जो नोजल है वो नोजल क्या करता है, ये जो मोल्ड में हम प्लास्टिक मटेरियल को जो फिल करते हैं तो नोजल के द्वारा ही प्लास्टिक मटेरियल इस मोल्ड में फिलिंग होती है, इसी के द्वारा फिलिंग होता है। अगर नोजल नहीं रहेगा तो हमारा मटेरियल मोल्ड में नहीं फिलिंग हो पाएगा, क्योंकि एक प्रेशर जनरेट करके इस नोजल के द्वारा हम मटेरियल को मोल्ड में भेजते हैं, तब जाके वो फिलिंग होती है कोर और कैविटी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि नोजल कंटामिनेशन को फिल्टर करके इंजेक्ट करता है। देखिए जो नोजल होती है, ये हमारा नोजल है, ये नोजल जो मटेरियल में जो भी कंटामिनेशन रहेगा, जैसे कि कोई वायर हो गया उसमें कटिंग करके चला गया मटेरियल के साथ में, अगर ग्राइंडिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो, या कोई मेटल का टुकड़ा उसमें हो, या कोई कंटामिनेशन हो, उस कंटामिनेशन को ये फिल्टर करके ओनली मटेरियल को इसमें इंजेक्ट करता है। ये जो नोजल होता है कंटामिनेशन को फिल्टर करके जो मटेरियल होती है प्योर मटेरियल, उस मटेरियल को ये मोल्ड में इंजेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोजल एडिट्यूज को मिक्स करता है और प्लास्टिक में जो पार्ट होते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। देखिए ये जो नोजल हमारा है, जो ये लगा रहता है बैरल के आगे, ये हमारा पूरा बैरल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बैरल हो गया, इस बैरल के आगे हम नोजल को लगा कर रखते हैं। तो ये क्या करता है, जो प्लास्टिक पार्ट बनता है ना उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जितनी स्लोली से प्रेस करेगा उस पार्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमारा पार्ट जो बनेगा वो अच्छा बनेगा, क्वालिटी में बनेगा, और उसकी जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव करेगी, इम्प्रूव होके और उसमें हमारा ये पार्ट बनता है। और क्या करता है, ये जो एडिटिव्स होते हैं, जैसे कि कोई हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर का, ये जैसे कि रेड हम चला रहे हैं तो रेड कंपोनेंट हमको चाहिए, तो इसमें कोई कलर हमको यूज करना है, मास्टर बैच यूज करनी है, तो उसको ये प्रॉपर तरीके से ये मिक्स करके और तब यहाँ से भेजता है। स्क्रू के द्वारा तो पूरी ये रोटेट होकर मिक्स हो जाती है, उसके बाद से जब ये मटेरियल स्क्रू के द्वारा
नोजल पे आती है। तो नोजल ये दोनों को एक ही साथ मास्टर बैच और मटेरियल दोनों को मिक्स किए हुए उस मटेरियल को इस मोल्ड में भेजने का काम करता है, फिलिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल के फ्लो को मिनिमाइज करता है। ये क्या करता है देखिए, ये हमारा ये हो गया डायग्राम है जो इंजेक्शन मोल्डिंग का एक डायग्राम है। तो जो मटेरियल का फ्लो है, अगर मान लीजिए इसमें से मटेरियल हमारा आ रहा है भर के इस बैरल में मटेरियल मेल्ट हो गया हमारा पूरी तरह से, जब ये इंजेक्ट करता है तो किसी मटेरियल का फ्लूडिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी फ्लूडिटी ये नोजल भी उसकी फ्लूडिटी को कम करता है। कब ज़्यादा देना है कब कम करना है उसको भी ये नोजल के टाइप्स होते हैं, डिफरेंस के जो टाइप होते हैं नोजल, वो इनकी फ्लूडिटी को भी कम कर देते हैं और उसके बाद से मटेरियल को ये मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारे पार्ट में कोई ट्रबल शूटिंग देखने को ना मिले। अब देखते हैं हम कि नोजल के टाइप्स ऑफ नोजल। देखिए टाइप्स ऑफ नोजल दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन, एक होता है हमारा ओपन नोजल, एक होता है ओपन नोजल और एक होता है शट ऑफ नोजल। तो जो शट ऑफ नोजल होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इंजेक्शन प्रेशर नोजल, एक होता है हाइड्रोलिक प्रेशर नोजल। ये दो प्रकार के शट ऑफ नोजल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन नोजल क्या होती है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ओपन नोजल का एक डायग्राम है और इसके बारे में हम देखेंगे कि ओपन नोजल क्या होती है। ये हमारा ओपन नोजल है, इसको हम ओपन नोजल के नाम से जानते हैं। जो इस डायग्राम में, ये डायग्राम में जो दिखाया गया ये ओपन नोजल का डायग्राम है। तो देखिए ये क्या होता है, ओपन नोजल स्मॉल होता है, छोटे होते हैं, इसको यूज करने में आसानी होती है। इसको हम जो ओपन नोजल होता है इसको आसानी से हम ओपन करके क्लीन करके फिर उसको हम उसमें लगा देते हैं, इसलिए ओपन नोजल यूज करने में आसानी होती है। तो देखिए ये हमारा ओपन नोजल है, ये इसकी फ्लूडिटी का लेंथ है, जब इसी के द्वारा इंजेक्शन करता है उस मोल्ड में मटेरियल को, तो इसकी ये लेंथ हो गया, इसको ओपन नोजल बोलते हैं। यहाँ से मटेरियल हमारा आता है, ये मटेरियल यहाँ से जाएगा और उस मोल्ड में इंजेक्ट कर देता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ओपन नोजल, जो यहाँ से मटेरियल हमारा जाता है, मेटल का फिलिंग होता है और जाके वहाँ उस मोल्ड में इंजेक्ट कर देता है। तो ये हमारा हो गया ओपन नोजल। ओपन नोजल इस्तेमाल होता है, यूज करने में आसानी होती है, इसको खोल के ओपन करके क्लीन करके भी हम आसानी से लगा देते हैं, ये छोटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि शट ऑफ नोजल क्या होता है। देखिए शट ऑफ नोजल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। शट ऑफ नोजल उस मेटेरियल के लिए यूज किया जाता है जिस मेटेरियल का विस्कोसिटी कम होती है। ये जो शट ऑफ नोजल है उस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है जिसका जो विस्कोसिटी, मतलब कि जिसका फ्लूडिटी फ्लो बहुत कम करता है, हार्ड मटेरियल होती है उस मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं ये शट ऑफ नोजल। जो मेल्ट होकर पतला फ्लो करता है, मतलब कि मेल्ट हो गए वो फ्लो बहुत जल्दी करता है, पतला फ्लो करेगा, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, उसका ड्रूलिंग ज़्यादा होता है, इसलिए उस कंडीशन में हम शट ऑफ नोजल का यूज करते हैं। शट ऑफ नोजल कब यूज किया जाता है, जिस मटेरियल का विस्कोसिटी कम होती है और उसका जो फ्लो होता है पतला होता है, ठीक, और उसकी जिस मटेरियल का ड्रूलिंग ज़्यादा होगी, जिसका विस्कोसिटी कम होती है उस मटेरियल का ड्रूलिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए उस केस में हम ये शट ऑफ नोजल का यूज करते हैं। क्या करता है देखिए ये कैसे काम करता है, जब यहाँ से मटेरियल आती है इसमें ये शट ऑफ नोजल, जब यहाँ से मटेरियल हमारा आएगी यहाँ से इंजेक्शन करेगा मोल्ड में, इंजेक्शन करने के बाद यहाँ से क्या करता है, ये मोटर टाइप की लगी हो तो यहाँ से बंद कर देता है, जितना मटेरियल हमारे यहाँ पर आएगा वो इंजेक्शन हो जाएगा मोल्ड में, और जब यहाँ मटेरियल बचेगा ही नहीं तो ड्रूलिंग नहीं होता है। ये शट ऑफ नोजल क्या करता है, यहाँ से शट ऑफ कर देता है, बंद कर देता है कि मटेरियल यहाँ से अब यहाँ आगे नहीं जाएगी जब तक वो नेक्स्ट शॉट न करने के लिए आए। तो इसलिए इस केस में हम शट ऑफ नोजल का यूज करते हैं कि मटेरियल बंद कर देता है और जितना इंजेक्शन होना होता है उतना हो गया, उसके बाद से दूसरा शॉट के लिए फिर ओपन हो जाता है, फिर मटेरियल आता है, फिर इंजेक्शन हो जाता है।
यहाँ मटेरियल वो छोड़ता ही नहीं है, अगर मटेरियल छोड़ेगा तो ड्रूलिंग होगी, तो इसलिए इस केस में हम सटाफ नोजल का यूज करते हैं। अब इसी में देखते हैं, एक होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंजेक्शन, एक होता है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक नोजल के बारे में हम देखते हैं। देखिए हाइड्रोलिक नोजल क्या होता है, ये हाइड्रोलिक नोजल क्या करता है, इसमें जब मटेरियल आती है फिलिंग के लिए, यहाँ से फिलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जब मटेरियल फिलिंग हो जाता है तो एक पिन लगी होती है, ये पिन क्या करता है, इसको लॉक कर देता है। जब यहाँ से मटेरियल इंजेक्ट कर देगा, इंजेक्ट करने के बाद जब रिफिलिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ से मटेरियल का जो एक पिन होता है वो पिन लॉक कर देगा कि यहाँ से मटेरियल आगे ना जाए। अगर वो मटेरियल आगे जाएगी तो ड्रूलिंग होने लगेगा, तो इसलिए पिन से इस मटेरियल को लॉक कर देता है और मटेरियल को इधर ही रोक के रखता है, तो इससे हमारा ड्रूलिंग नहीं होती है, पार्ट में शाइनिंग भी आती है। और हाइड्रोलिक नोजल लगाने से, तो ये हाइड्रोलिक नोजल ऐसे काम करता है, ये सटाफ नोजल के टाइप्स में आता है। तो इस वीडियो में हम देखें कि नोजल क्या होते हैं और नोजल के टाइप्स क्या होता है और नोजल का वर्किंग क्या होता है।